मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरा हाथ इतना टाइट है इस वक्त कि चाय पीने भी मोहताज हूँ मैं, यहाँ तक कि जो है तो घर में मेरे को चाय रुपया मच्छर बत्ती कोई पैसे भी नहीं है, साबुन इसके पास नहीं है, इसके पास जाके हाथ फैलाना, गाँव को जा सकते हैं ना कहीं सिटी को जा सकते, गाँव में जा सकते हैं चलो गाँव में जाके चार दिन रहेंगे, बस वहाँ जाने का भी अलाउंट नहीं है, घर के बाहर नहीं निकलना बोल रहे, ऊपर से जो नीचे 9 बजे शाम में 5 बजे नीचे जाके बैठे तो पुलिस वाले मार रहे हैं। हमारे पास यहाँ कोई गली में कोई राशन पानी का कोई जरिया नहीं है, कोई सब जने ड्यूटियों से छोड़ के बेकार है यहाँ पे, और दूसरी क्या है बोले तो यहाँ पे हमारे पास कोई आ रहा नहीं, कोई जा रहा नहीं, कोई दे रहा नहीं कुछ भी, यहाँ पे सब ऑटो ड्राइवर्स है, यहाँ पे कोई कारोबार वाले है, हम लोग बहुत परेशान है भैया, हैदराबाद में बोल रहे असद भाई बांट रहे, अकबर भाई बांट रहे, बोल रहे कहाँ बांट रहे, मौलाली में हम लोग इतना परेशान है, तो हैदराबाद को मौलाली को कुछ फर्क है क्या, एमआईएम वाले भी आगे देख सकते हैं ना भैया एरिया में, आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। जब कैद किया है घर में तो खाना पहुंचाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हालांकि हुकूमत तेलंगाना ने बहुत इकदाम किए हैं, राशन कार्ड वालों को 12 किलो चावल और 1500 रुपये बैंक खाते में जमा किए हैं, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए भी इंतज़ाम किया गया है, चावल के अलावा फीकस 500 रुपये दिए गए हैं, मगर आए दिन खबरें आती जा रही है कि बहुत सारे लोग अभी भूखे हैं, परेशान हैं। ठीक इसी तरह कल एक खबर वसूल हुई मौला अली के भरत नगर में, 2-3 गलियों के पूरे मकीन परेशान हैं, उन्हें कहीं से कोई इमदाद नहीं पहुंच रही है, ऑटो चलाने वाले हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो कि रोज़ काम करके खाने वाले लोग हैं, इनकी कमाई जब बंद हो जाती है तो वो कैसे अपने लिए खाना जुटा पाएंगे, खाना तो दूर की बात, एक प्याली चाय के लिए भी वो मोहताज हैं, वो असद भाई अकबर भाई को पुकार रहे हैं, असद भाई अकबर भाई काम कर रहे हैं, वो लोग अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं, हज़ारों लाखों लोगों तक अनाज उन्होंने पहुंचाया है, ये काम हुकूमत तेलंगाना का है, तेलंगाना हुकूमत को सारी रियासत में तमाम इलाके के गोशे गोशे में खाना पहुंचाना ये उनकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, लोकल एरिया पर ऑफिसर्स को एक्टिवेट करिए, ऑफिसर्स को भगाइए गली गली में और मालूम कीजिए कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोरोना से तो कम मौतें हो रही है, अगर यही हाल रहा तो भुखमरी से मौतें होंगी और ये रियासत के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। लोग ये कह रहे हैं कि हमें घर पर रहने को कहा जा रहा है और लोगों से न मिलने का मशवरा दिया जा रहा है, बार बार हाथ धोने का मशवरा दिया जा रहा है, जब घर में साबुन ही नहीं तो वो हाथ कहाँ से धोएंगे, क्या वो कोरोना वायरस से खुद को और अपने अतराफ के लोगों को महफूज रख पाएंगे, क्या तेलंगाना इस तरीके से कोरोना से मुक्त हो पाएगा, देखिए इस वीडियो को और संजीदगी से गौर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरा हाथ इतना टाइट है इस वक्त कि चाय पीने भी मोहताज हूँ मैं, यहाँ तक कि जो है तो घर में मेरे को चाय रुपया मच्छर बत्ती कोई पैसे भी नहीं है, साबुन इसके पास नहीं है, इसके बाद जाके हाथ फैलाना, गाँव को जा सकते हैं ना कहीं सिटी को जा सकते, गाँव में जा सकते हैं चलो गाँव में जाके चार दिन रहेंगे, बस वहाँ जाने का भी अलाउंट नहीं है, घर के बाहर नहीं निकलना बोल रहे, ऊपर से जो नीचे 9 बजे शाम में 5 बजे नीचे जाके बैठे तो पुलिस वाले मार रहे, इसको भी कुछ नहीं बोल सकते, अब ऐसी हालत में जो है सब गाड़ी लेके कहाँ निकलूँ मैं, किस कौन सी सवारी मिलती बल्कि लेके रोड पर फिरूँ मैं, क्या मेरे बैंक बैलेंस है कुछ रखे हुए है, रोज़ करना तो गाड़ी का किराया निकालना, फिर घर का किराया निकालना, लाइट का बिल बनना, तो उसके बाद में बच्चे तो मेरा घर चलाने का है। एड्रेस मौलाली भारत नगर रहने का मैं कल्लू कंपोड़ के सामने गली में। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ की मजबूरी के बारे में हम सुनाना चाह रहे हैं, हम भारत नगर मौलाली से बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पे बहुत परेशानी है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ कोई गली में कोई राशन पानी का कोई जरिया नहीं है, कोई सब जने ड्यूटियों से छोड़ के बेकार है यहाँ पे, और दूसरी क्या है बोले तो यहाँ पे हमारे पास कोई आ रहा नहीं, कोई जा रहा नहीं, कोई दे रहा नहीं कुछ भी, यहाँ पे सब ऑटो ड्राइवर्स है, यहाँ पे कोई कारोबार वाले है, सबके कारोबार बंद है, तो कारोबार बंद रहने की वजह से क्या हो रहा है वो तो हालत के हिसाब से आपसे मजबूरी करके अदबन गुजारिश है, आपकी अदबन गुजारिश है आपसे कि हमारी मजबूरी को आप समझ के हमारे पास यहाँ पे कुछ राशन पानी का रास्ता बनाइए आप, क्योंकि हमारे ऐसे और भी लोग मजबूर हैं यहाँ पे, 2-3 गलियों में मजबूर है यहाँ पे, तो भारत नगर यहाँ पे कल्लू कंपाउंड के पास हमारा घर है यहाँ पे,
ये गली के पास, तो उसके लिए हम लोग आपसे मेहरबानी कर रहे हैं कि आप लोग पूरे मिलके जरा हम लोगों को कुछ तो भी मदद करिए। हम लोग बहुत परेशान है भैया, हैदराबाद में बोल रहे, असद भाई बांट रहे, अकबर भाई बांट रहे, बोल रहे कहाँ बांट रहे, मौलाली में हम लोग इतना परेशान है। तो हैदराबाद को मौलाली को कुछ फर्क है क्या? MIM वाले भी आगे देख सकते हैं ना भैया, एरिया में इतना परेशान है हम लोग, मौलाली भरतनगर में आके देख सकते ना हम लोग, कितने दिन से हम लोग लॉकडाउन हुए, जैसे गाड़ियां बंद करके हम लोग ड्राइवर हूँ, मैं हाईटेक सिटी में गाड़ी चलाता हूँ। जरा आगे जरा मेहरबानी करो भैया, यहाँ भी हमारी तरफ हाथ रखो, बोले तो मैं रहने का बोल सब भरतनगर का रहने वाला हूँ, मैं ऑटो चलाने वाला हूँ। फिलहाल मेरे को खाने की तक मुश्किल है मेरे को, हालांकि मेरे साबुन धोएंगे बोले तो साबुन से आता दो बोले तो आता धोने की तो साबुन नहीं, पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? ऑटो एक बंदे बंदे बोल रहे, फिर कहाँ से मैं लेके आके मैं कहाँ जोड़ बच्चों कैसा पालूं? घर के किराए बनना है, ऑटो किराए बनना है, हालांकि यहाँ देने वाला कोई भी नहीं है, यहाँ पर बड़े बड़े लीडर हैं, वो लीडर अभी कोई देखने वाले नहीं है हम लोगों को। मेहरबानी करके आप लोग कुछ मदद करो हम लोगों के लिए, आने का रमजान का महीना है, हालांकि पांच पैसे नहीं है, आते समय रमजान का महीना फिर पैसे नहीं है, हम लोग कैसे जीना, ईद कैसा बना लेना, बाबा हमारा क्या भी नहीं है, मदद कुछ भी नहीं है, आगे पीछे हम भूखे मर जा रहे हैं, दो महीने से आगे पीछे हम कारोबार वाले हैं, तनख्वाह कुछ बचा के बजट नहीं रख लिया, हम घरों में मजबूरी में आगे पीछे नहीं है, एक तो बीमा अच्छे नहीं समझ में है, मेंटल पहले से दिमाग का कमजोरी है, मैं कैसा संभाल के जीना, बच्चे चार बेटे बेटी है, कुछ काम के नहीं हम लोग, आगे पीछे कुछ मदद नहीं है, हमारे को भूखे मर जा रहे हैं दो महीनों से, हमारे बहुत मुश्किल हो रही है, हम मर जाने के वक्त में आया टाइम, कोई बात सहूलत नहीं है हमारे को जिंदगी में, हमारा गांव हमारा करीमनगर है, भरतनगर है हमारा, संदीप कंपनी के सामने रहते हम लोग, हम भी गुजरानी कुछ भी गुजरात मदद करना है हमारे, कितना अच्छे कुछ जबरदस्त कुछ नहीं कर रहे, हम मदद करना हमारे वास्ते, हम जो मुश्किल में है बहुत मुश्किल में है, कुछ भी बात करना भी नहीं समझ में आ रहा, मुश्किल के बाहर हो गए, नींद नहीं है, रात को चैन नहीं है, एक तो कमजोर अजमिया दोनों मेरे घर में आए, बच्चे भी फूला बेकार के जीना है, फूला वाले भी बैठ गए कि कारोबार नहीं करना बोल रहे, दो महीने से बैठ गए, लड़ाई हो रही घर में, मार ले रही बच्चे बड़े नहीं जी सकते घर में, बाल बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो रही, जो भी कहा किसी हाल पे हमारे कोशिश करके हमारे मदद करो, ये गड़बड़ में हमारे मदद कर दो, अच्छा है तुम्हारा नाम लगता, हमारे वास्ते मदद करो, और भी बोलो भाई जरा हमारे मदद करो, बच्चे भी मदद, छोटे बच्चे सता रहे, हम भी जीना मुश्किल है, कब तक का मुसीबत देना चाह रहे हैं, हमारे गली तक लाके पहुँचाइए, हमारे गली खड़े तो लोग ले रहे चले जा रहे हैं, हमारे मौलाली भरतनगर सिंधी कमर के सामने जो गली है हमारी गली है, किड़ा रही कुछ भी मदद का नहीं है हमारे, आगे पीछे कुछ हैदराबाद में असद भाई को बोलो, अकबर भाई को बोलो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, MIM वाले अपने हमारे वास्ते मदद करना है, के सामने गली वो बेचारा को उर्दू नहीं आती, राशन कार्ड भी नहीं है और बैंक में भी पैसे नहीं आए, हमको चावल ही नहीं है खाने, लोगों को बांट रखे थे, हम कौन भी नहीं दे रहा, क्या भी नहीं है, कैसे चले जा रहे, गधे पे आ रहे नहीं पूछने नहीं दे रहे, बैंक में पैसे डाल रखे थे, थैलियां ला रहे खत्म कर रहे, नहीं है बोल रहे, राशन पानी खत्म हो गया, धूप में जाके लाइनों में खड़ रहे, दो बजे कड़क धूप आ रही, पानिया फिर लाइन में खड़ रहे, कुछ मिला नहीं राशन, मस्जिद में दे रहे तो मस्जिद में खागे तो वहाँ भी नहीं मिला, केसीआर का पैसा नहीं मिला, चावल नहीं, राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम लोग मेहनत करते बच्चे वाले मेहनत करे तो खाना हम लोग, नहीं तो हम लोग खाने कुछ नहीं रहता, कैसा रहना हम लोग। तो देखा आपने मौलाली में कितने खानदान परेशान है भूख से, ना सिर्फ भूख से परेशान है बल्कि वो एक प्याली चाय के लिए भी मोहताज हैं, उन्हें हाथ धोने के लिए साबुन तक नहीं है, और ये बार बार असद भाई अकबर भाई का नाम ले रहे हैं, और मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि वो लोग कर रहे हैं काम, बहुत सारा काम हो रहा है, रोज़ाना हज़ारों ख़ानदान को राशन पहुँच रहा है, अब उनके भी अपने लिमिटेशंस होते हैं, आखिर कहाँ तक वो कर सकते हैं, ये असल काम रियासती हुकूमत का है, हुकूमत ये यकीनी बनाए कि उनकी रियासत में कोई भी भूखा ना सोए। ये तो रही बात हैदराबाद के मकीनों की, इसके अलावा माइग्रेंट लेबरर्स के लिए भी हुकूमत तेलंगाना में इंतज़ाम किया, मगर हार्ट ऑफ द सिटी मुरादनगर में रह रहे झारखंड के लेबरर्स को ये स्कीम से इस्तेफादा नहीं पहुंचा। मुरादनगर में एक आलीशान बिल्डिंग बन रही है,
वहाँ पे तकरीबन एक दर्जन लेबरर्स काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद से सारा काम ठप है और मालिक मकान है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने कहा है कि पैसे लॉकडाउन खुलने के बाद मिलेंगे, जब तक ये क्या करेंगे, क्या ये भूखे मरेंगे? इसकी इत्तला एक मुकामी सोशल वर्कर को मिली तो 8 दिन से ये बेचारे इनके पास 2 टाइम का पका हुआ खाना भेज रहे हैं, ये भी कब तक करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि हर जगह नज़र रखें और हर जगह राशन और दीगर सहूलियात फराहम करें। और आज मैंने ये गौर किया है कि राशन किट्स तो तकसीम हो रहे हैं मगर साबुन हो, टूथ पाउडर हो, ये ज़्यादा लोग नहीं दे रहे हैं। ये भी देना चाहिए, ख़ास तौर पे कोरोना का ख़तरा, बार बार साबुन से हाथ धोने की तलकीन और फिर साबुन का ना पाया जाना, ये ख़तरे को टाल नहीं सकता है। तो जो जो भी अहले खैर हजरात अनाज राशन किट्स पहुँचा रहे हैं उसके साथ साथ शैम्पू या टूथ पाउडर या फिर साबुन भी पहुँचाएँ। नाज़रीन किराम, देखिए इस वीडियो को। मैं मुरादनगर छोटी मस्जिद के बिल्कुल सामने की गली, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में एक आलीशान बिल्डिंग बन रही है जो काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग बन रही है, बिरला पुट्टी से लेके उसमें पूरा एलएनटी का काम हो रहा है। ये लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप लोग कहाँ के? झारखंड। झारखंड के? मेरे को 8 दिन पहले लोगों के बारे में इत्तला दी है हमारे जानी भाई कि ये लोग बिस्किट और पानी पर गुजारा कर रहे हैं और वाकई बहुत भूखे थे। आपका आप कॉल आप करे थे ना? हाँ जी हाँ। आपका नाम? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान मेरे को कॉल करे थे, काफ़ी रो रहे थे अब्दुलरहमान, बहुत भूखे है बोले। मैं इमीडिएट आया वहाँ पे, अब्दुलरहमान को पका हुआ खाना ला के दिया और मैं इनको 2-3 दिन से पका हुआ खाना ही ला के दे रहा था। फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोले भाई जो आप खाना ला के दे रहे हैं हम बचा लेके रात में भी वही खा रहे हैं, सुबह जल्दी ला के तो बहुत भूख लग रही। तो मैं पूछा आपको क्यों दूसरे टाइम का नहीं हो रहा क्या इंतज़ाम? बिल्कुल नहीं हो रहा बोले। मैं अब इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह राशन तरकारी हर चीज़ दे रहा हूँ इनको। बताना वीडियो इसीलिए है, ये जो बिल्डिंग के मालिक है और ये बिल्डिंग के जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये लोग के पैसे भी देने का है 15-20 हज़ार जो भी निकलना है, वो लॉकडाउन के बाद देते बोले। जब तक ये लोग भीख मंग के खाएंगे या जब तक क्या करेंगे? आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर काम नहीं चला तो क्या इनको आप खाना नहीं देंगे? आपकी बिल्डिंग में पुख्तगी कहाँ से आएंगी? ईमान को जगाइए आप। आप कोई भी होंगे मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, ना मैं आपसे डरता हूँ, ना मैं यहाँ किसी के रोकने पे नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे कई कॉल मेरे को मुरादनगर के बोल रहे हैं, शहर के मैं कोने कोने में जा रहा हूँ, अल्लाह से डरता हूँ बस सिर्फ, और उम्मत के लिए काम करता हूँ। ये मासूम लोग देखो, आप इनके सूरतान देखो, ना घर जा सकते, इनका पैसा तुम्हारे पास रहते हुए भी तुम इनको भूखा रख रहे हैं। मेरे भाई अल्लाह से डरो, तोबा करो, अपने घर में निवाला उठाते वक्त ये लोग का भी ख्याल करो। और मैं मुरादनगर के भी लोगों को बोलूँगा भाई जो बिहार के झारखंड के लोग हैं इनकी मदद करिए, हमारा ये फरीज़ा है कि हम एक दूसरे की मदद करें। और ये मौकूफ़ ऐसा है बग़ैर ज़ात धर्म पात के हमा को काम करना है। मैं आप तमाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि ख्याल करो इन लोगों का। मेरे से जितना काम हो रहा मैं कर रहा हूँ, मैं हर जगह पे सिस्टमेटिकली जाके दे रहा हूँ। कोई बोल रहे हैं क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एक दिन मेरे साथ रहो मैं क्या काम कर रहा हूँ आपको मैं महसूस हो जाएगा, और कितना डिसिप्लिन में काम कर रहा हूँ वो भी महसूस हो जाएगा। ना मैं वीडियो बनाने का शौकीन हूँ, ना मैं राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ सब बताने का शौकीन हूँ, सिर्फ ये आपके लिए अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ यहाँ के लोग इनको बगैर गाली बगैर डरा के इनको इनकी ज़रूरत की चीज़ पहुँचाएंगे। जब तक लॉकडाउन रहेगा मैं इनको बराबर खाना ला के दूंगा जितना मेरे से होता, बाकी का आप लोग भी देखिए अड़ोस पड़ोस में। शुक्रिया। तो हुकूमत को चाहिए कि बलदी मशीनरी को एक्टिवेट कीजिए और जहाँ जहाँ पर भी लोग मुकैद हैं, महसूर हैं, लॉकडाउन का शिकार हैं, बैरूनी रियासतों से यहाँ आए हुए हैं कामकाज के लिए, या फिर यहीं के हैं मगर डेली वेज अर्नर्स हैं, उनकी आमदनी रुक गई है और खाने को मोहताज हैं, ये सब को खाना पहुंचना चाहिए। पिछले एपिसोड में हमने बताया कि किस तरह से तेलंगाना की पुलिस लॉकडाउन को मुकम्मल तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है, इसकी हम सताइश करते हैं। इसी तरह का एक वाक़या और एक कॉलोनी में पेश आया जहां पर किस तरह से नौजवान जो रोड पर ठहरे हुए हैं ग्रुप की शक्ल में, ड्रोन की कैमरे की मदद से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत अच्छी बात है,
हम अप्रिशिएट करते हैं तेलंगाना हुकूमत को कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लोगों को लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन में भरपूर तरीके से सख्ती करें। साथ ही साथ जब वो घर में रहेंगे तो उनकी ज़रूर कोई मजबूरियां होंगी, वो मजबूरियां दूर करना भी आपका काम है। फिलवक्त आप ये देखिए ड्रोन कैमरे का वीडियो। तो देखा आपने किस तरह से ड्रोन कैमरे की मदद से चंद नौजवानों को ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लिया गया। वो परेशान रह गए कि ये अचानक कैसे हो गया, ये ड्रोन कैमरे की मदद से हुआ है। और ख़बर है ड्रोन कैमरा तमाम शहर में इस्तेमाल किया जाने वाला है। खबरदार हैदराबादियों, लापरवाही करोगे तो आप पुलिस की कस्टडी में जा पहुँचोगे। इससे आपको भी परेशानी होगी और आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहनों को भी परेशानी हो सकती है। घर में रहिए और हुकूमत का साथ दीजिए कोरोना वायरस को भगाने में। नाज़रीन किराम, कोरोना वायरस का जो अटैक हुआ है सारी दुनिया में, इतनी शिद्दत का कोई वायरस हमारी सोच में तो अब तक ऐसा नहीं हुआ था। हर चीज़ तकरीबन नई है। किसी पेशेंट को डिटेक्ट किया जाता है तो उसे पूरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनाकर ले जाने वाले भी खुद पहने होते हैं। एक डरावना सा माहौल बना होता है। एम्बुलेंस आके खड़ी हुई है, सब लोग देख रहे हैं खिड़कियों में से, और पेशेंट को ले जाया जा रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे अकेले गाड़ी में ले जाए जा रहे हैं। क्या उनकी ज़हनियत उस वक्त कारफरमा होती होगी, कितने वो मेंटली परेशान होते होंगे। और उनके साथ कोई अटेंडेंट को भी नहीं ले जाया जाता है, कहीं उन्हें भी ये बीमारी ना लग जाए। तो यहाँ पर कुछ
मेडिकल और लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं। पेशेंट का जब ले जाया जा रहा है, क्या वो पेशेंट की सिक्योरिटी सेफ्टी की गारंटी है? पेशेंट को जब ले जाया जा रहा है, वहाँ पर रखा जा रहा है, तो क्या सेफ एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है? अगर कोई सस्पेक्ट है, नेगेटिव पाया जा सकता है, मगर वहाँ पर उसे इन्फेक्शन हो जाने का खतरा है, क्या ये सारे सेफ्टी मैकेनिज्म इन प्लेस हैं या फिर इसका फुकदान है? जहाँ मेडिकल फ्रेटर्निटी के राइट्स हैं, डॉक्टर्स के राइट्स हैं, वहीं पेशेंट्स के भी राइट्स हैं। पेशेंट को ये जानने का हक है कि उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, पीरियडिकली वो रिपोर्ट देख सकता है या नहीं। ये सारे सवालात हमारे हैदराबाद के एक मशहूर लॉयर एडवोकेट अफजल उद्दीन दखनी ने उठाए हैं। आइए सुनिए एडवोकेट अफजल उद्दीन दखनी को। मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट कुछ लीगल इश्यूज को आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि लॉकडाउन के दौरान कई पेशेंट्स उस्मानिया दवाखाना या फिर गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहत याब हो, और ये लॉकडाउन के टाइम में हम चाहते हैं कि लोग लॉकडाउन का वायलेशन ना करें। मगर कि दूसरी तरह से और एक हिस्सा है जो गवर्नमेंट और पुलिस भी इसको एड्रेस करे। फर्स्टली पेशेंट्स जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो क्वारंटाइन में हैं, ये लोगों के जो राइट्स हैं वो राइट्स प्रॉपरली प्रोवाइड करिए, मैनेजमेंट हो या पुलिस डिपार्टमेंट हो। देखिए पेशेंट अगर डॉक्टर्स के राइट्स है तो पेशेंट्स के भी राइट्स है, जहाँ पे पेशेंट्स के राइट्स है तो डॉक्टर्स और उसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ड्यूटीज़ है। देखिए आपको हाल ही में एक वाक़या पेश आया था मोगलपुरे से कि वो एक खातून का जो ट्रीटमेंट हुआ था, वो रिपोर्ट्स जो टेस्टिंग हुआ था वो सैम्पल इज मिसिंग बताया 3 बार गांधी हॉस्पिटल में। और सिमिलर एक वाक़या एक दो चार वाक़ात ऐसे आए थे जो सोशल मीडिया में भी सर्कुलेट हुए थे। आपको यहाँ पे नहीं बल्कि हैदराबाद में नहीं, आपको एक देहरादून का भी वाक़या बताना चाहता हूँ, जिसमें एक 6 महीने की 6 साल की लड़की जिसको बस सर पे मार लगा था, लेकिन उस टाइम पे पेशेंट का सही ट्रीटमेंट न होने की वजह से मैंने रिपोर्ट हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में कि डॉक्टर्स 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर बात करें और ट्रीटमेंट नहीं करा, वो लड़की मर गई। एक औरत जो आदिलाबाद से हैदराबाद को लाया गया था, उस दौरान उसका डेथ हो गया, ना उसका टेस्ट किया गया ना उसका सही तरह से वो अटेंशन दिया गया। देखिए कई चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में हेल्थी रिलेशन पैदा हो। हम नहीं चाहते कि पेशेंट्स अपने राइट्स को ओवर एक्सेस करें, वो राइट्स का मिसयूज़ करें। हम ये भी नहीं चाहते कि डॉक्टर्स अपने जो राइट्स है उसका गलत इस्तेमाल करें। देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पेशेंट्स के बीच में हेल्थी रिलेशन होना चाहिए। देखिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्ट 1956 में पास हुआ था। ये एक्ट के तहत सेक्शन 20A के तहत में सेक्शन है जिसमें मेडिकल काउंसिल ने कई रेगुलेशन कई ज़ाब्ते अखलाकी का कोड बनाया है रेगुलेशन 2002 में। और एक एक्ट है जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का है बोलते हैं उसको, जिसमें पेशेंट्स के राइट्स भी और कोड्स बताए गए हैं कि पेशेंट्स के क्या क्या राइट्स हैं, कई हकूक है, पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, पेशेंट्स को उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स को रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाए, ये राइट है कि पेशेंट को उसके रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम दिया जाए, और ये पेशेंट्स की ये भी राइट है कि उसका इलाज किस तरह से किया जाएगा, और ये भी राइट है कि पेशेंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए, और पेशेंट्स का ये भी राइट है कि इसके साथ कोई इम्तियाज़ ना हो। आप देखें आप ये भी चीज़ देखे हैं कि सोशल मीडिया में कि गुजरात में कुछ हॉस्पिटल में मजहबी बुनियाद पर वार्ड्स को अलग अलग किया गया, ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि कोविड जब ये जो वायरस आ रहा है कोई आपका मजहब नहीं देख रहा है, लिहाजा हम भी कोविड की जो आलमी लड़ाई है इसमें बगैर किसी
मज़हब और तफरीक के हम इसके ख़िलाफ़ लड़ें और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करें। और हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट पेशेंट्स के साथ बेहतर सलूक करे और पेशेंट्स और उनके घर वाले भी मैनेजमेंट के साथ बेहतर सलूक करे। तो देखा आपने कि किस तरह से पेशेंट के भी राइट्स होते हैं और इस मामले में क्या क्या छुपाया जा सकता है, क्या क्या बताना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी की लिमिट कितनी है, इस ताल्लुक से कवानीन गिनाए हैं एडवोकेट अफजलुद्दीन दखनी ने। तो ये ऐसा नहीं हो रहा है अब तक। ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए ताकि लोग परेशानी का शिकार ना हों, ज़हनी कोफ्त का शिकार ना हों। आखिर में मैं आपसे सबसे अदमबद्दम गुजारिश करता हूँ कि लॉकडाउन की भरपूर पाबंदी कीजिए, रमज़ान तशरीफ़ लाने वाला है। ये रमज़ान पिछले तमाम रमज़ानों से मुख्तलिफ होगा। जो जो आप नॉर्मली करते आए थे अब वो नहीं हो सकता। आपको घर पर ही सहरी करना है, घर पर ही इफ्तार करना है, नो इफ्तार पार्टी। हलीम की उम्मीद छोड़ दें, घर पर बना सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तरावीह भी घर पर ही पढ़ेंगे आप, मस्जिद में इसका इंतज़ाम नहीं होगा। इससे सोशलाइजिंग तो नहीं होगी मगर इंडिविजुअली इबादत करने का आपको भरपूर मौका मिलेगा। जितना अपने रब को राज़ी कर सकते हो राज़ी कर लो, ये बड़ा ज़रीन मौका है। घर में रहिए, महफूज रहिए। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।